नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, समाज के मानवीय सच्चाइयों से रूबरू करवाने वाले हिंदी और उर्दू के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की आज 139वीं जयंती पर आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं उनसे जुड़े उनके व्यक्तित्व के बारे में। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर मोहम्मद मोजमुद्दीन, जो कि एनसीईआरटी के भाषा शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया। और सर, जैसा कि आज मुंशी प्रेमचंद जी की 139वीं जयंती है जी, तो उस पर मैं सबसे पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही, जिसको हम कहते हैं, अट्रैक्टिव है जी। उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत में बड़ी कशिश है और ये कशिश उनकी अपने जीवन से हासिल हुई है, उनकी ज़िंदगी से हासिल हुई, जिस तरह के माहौल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह के माहौल में पले बड़े हैं। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था जी। और वो नवाब राय के कलमी नाम से शुरू में लिखा करते थे, मुंशी प्रेमचंद तो बाद में नाम पड़ा। इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 में बनारस से 4 मील के फासले पर एक गांव है लम्ही, वहाँ हुई थी। ये घर में गुर्बत थी, मुफलिसी थी, बहुत भरा पूरा ख़ानदान नहीं था, लेकिन चूंकि इनके वालिद अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे तो उसकी वजह से जो है इनको कुछ थोड़ी सहूलत हुई जो पढ़ने लिखने की। लेकिन इन्होंने जो है शुरू में तो उर्दू और फारसी पढ़ी 8वीं क्लास तक, यानी 8 साल की उम्र तक जो उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ी। बाद में इनको अंग्रेज़ी पढ़ने का भी शौक़ हुआ, उधर से चूँकि ज़माने का रिवाज था उस वक्त अंग्रेज़ी पढ़ रहे, तो उधर आए इब्तदाई तालीम उनकी उर्दू फारसी में लें और फिर किसी न किसी तरह इन्होंने इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। उसके बाद 60 साल की उम्र में इनकी वालदा का इंतकाल, यानी माँ का इंतकाल हो गया था। 15 साल तक की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जब वालिद भी ना हो, वालदा भी ना हो और दादा पहले ही जा चुके हों, ऐसी चूँकि घर के बड़े होने की वजह से इनके अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी इनके सर पर आ गई, तो इनके सामने सबसे बड़ा मसला था कि जीविका यानी ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहीं छोटी मोटी मुलाजमत भी की उन्होंने, की वक्त के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया, तो इस तरह के काम करते रहे। इसके अलावा उनको चूँकि पढ़ने का शौक़ था आगे, और चूँकि जिस तरह के माहौल इनके घर में जो किताबें थी, जिस तरह की किताबें इनको मैसर आईं, उस तरह की किताबें इनके जो है दास्तानी अंदाज की थी। इनके घर में तिलिस्म होशरबा भी थी, पंडित रतननाथ सरसार को भी पढ़ा, अब्दुल हलीम शरर को भी पढ़ा, मिर्ज़ा हादी रसवा भी पढ़ा, उनका उमराव जान नावल खास है, तो इस तरह से तो ये छुप छुप कर पढ़ा करते थे इस तरह के नावल। वहाँ से पढ़ने के बाद इनके दिल में भी ये पैदा हुई कि कौन हम खुद इस तरह के किस्से कहानियाँ कौन लिखें। तो लिखने की जो इनको एक वहाँ से शह मिली लीजिए, वहीं इन्हीं लोगों से मिली जो इनकी ज़िंदगी के जो है, तो इनकी ज़िंदगी जब उतार चढ़ाव को देखते हैं तो उसमें हमें कहीं बहुत उतार चढ़ाव नज़र आता है और ऐसा लगता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में अगर आए तो वो उसको घबरा के छोड़ देगा या दूसरे कामों में लग जाएगा। लेकिन चूँकि बाहिम्मत आदमी थे, सलाहियत खुदा ने दी थी, तो इस तरह के कामों में वो लगे रहते थे और अपनी मेहनत से, और चूंकि जबान के भी इनके भरपूर सलाहियत थी, कुदरत थी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहे और लिखने का सिलसिला शुरू किया तो आगे बढ़ते गए, इनकी पजीराई होती गई और मकबूलियत हासिल करते गए। इनकी शख्सियत के बारे में 2 पैराग्राफ हम छोटे छोटे वो पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे लगेंगे। अपनी ज़िंदगी के बारे में जहाँ लिखते हैं, मेरी ज़िंदगी एक सादा और सपाट मैदान है जिसमें कहीं कहीं गढ़े और गढ़े गढ़े तो मिलेंगे, लेकिन इसमें टीले, पहाड़ियाँ, घने जंगल, गहरी वादियाँ या खंडन नहीं मिलेंगे। पहाड़ों में घूमने फिरने वालों को यहाँ सख्त मायूसी होगी, यानी जो लोग बहुत ऐशोसरत की ज़िंदगी चाहते हैं, इस तरह से जो घूमने फिरने के आदि हैं, तो उनको यहाँ भी मायूसी, बल्कि मेरी ज़िंदगी तो एक सपाट एक ढर्रे पर चल रही है, मैं उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसी तरह का एक दूसरा इकतबास है, यानी पैराग्राफ, उनका एक बहुत मशहूर नावल है मैदान अमल। मैदान अमल में एक किरदार है अमरकांत के नाम से, तो अमरकांत के किरदार को देखिए और इनकी अपनी ज़िंदगी को देखिए तो लगता है दोनों में बड़ी मुमासलत है, बड़ी एकसानियत है, सेमनेस। वो छोटा सा इकतबास, उसको भी हम पढ़ दे रहे हैं। ज़िंदगी की वो उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बचपन है। अब इस यहाँ ज़बान का भी देखिए कि बचपन को कहकर फिर क्या ज़बान को मोड़ दिया है। इस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो ज़िंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं।
उस वक्त खुराक ना पाकर उसकी ज़िंदगी खुश्क हो जाती है। मेरी माँ का उसी ज़माने में इंतकाल हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, वही भूख मेरी ज़िंदगी है। वही भूख मेरी ज़िंदगी से मुराद ये है कि इनकी ज़िंदगी हमेशा गुर्बत में रही और गुर्बत में रहकर इन्होंने समाज का जो मुतालिया किया, मुशाहदा यानी ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने अपने ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को जूझते हुए देखा, तो इस तरह से उसी ज़िंदगी को उन्होंने अपने कहानी में पेश करने की कोशिश आखिर तक की जो है। तो उनकी ज़िंदगी के शख्सियत का ये पहलू बहुत अहम है जो जी। ये मुंशी प्रेमचंद ने अपने आप बीती अपनी जुबानी दर्शकों को एक लेखन के माध्यम से बताई और आप तक ये जो बता रहे थे ये इनकी आप बीती थी, जो इनके साथ बचपन में जो घटना घटी थी, जो इनके साथ हुआ था, वो तमाम बातें इन्होंने एक लेखन के जरिए आप तक पहुंचाई है। और सर मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो क्या कुछ उस टाइम पर माहौल रहा था, किन हालातों में उन्होंने लिखना शुरू किया? देखिए उन्होंने जिन हालात में लिखना शुरू किया, आप देखिए 1880 में इनकी पैदाइश है और 1936 में इनका 8 अक्टूबर 1936 को इंतकाल हो जाता है, तो ये ज़माना तकरीबन 56 साल और 3 महीने की इनकी ज़िंदगी रही। 1880 अभी जो है समझिए कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में नहीं आई थी, 1885 में आई थी, और 1836 में अभी भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी की तहरीक बहुत ज़ोरों पर थी, महात्मा गांधी इसमें शामिल हो गए थे, दूसरे लोग भी बड़े बड़े बाल गंगाधर तिलक और मुझे इस तरह जितने लोग नेता थे वो उसमें शामिल हो गए थे। तो एक तो इनके दिल में था कि अंग्रेज़ी हुकूमत को राज हमारे मुल्क पर है, हमारे देश पर है, हिंदुस्तान पर, इससे हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए कि वो सिर्फ राज ही नहीं करते थे बल्कि उन्होंने बहुत सारे अत्याचार भी हिंदुस्तानियों पर करने शुरू कर दिए थे, तो उसकी वजह से वो चाहते थे कि हमें जल्द से जल्द आज़ादी मिल जाए। तो है तो उनके अंदर आज़ादी का जज्बा, हुब वतन जिसको हम कहते हैं, हुब्बुल वतनी या वतन की मोहब्बत जिसको कहते हैं, जज्बा बहुत था जो है, और उस माहौल था उनके अंदर यही था कि हम जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा हासिल कर लें। दूसरी सबसे चीज़ उस वक्त का माहौल जो था जो है, गुर्बत बहुत थी, मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता था, किसान परेशान थे, तबकाती कश्मकश थी, ज़मींदाराना माहौल था, सरमायादाराना माहौल था, मेहनत कराते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था, और जो पैसा अगर इन लोगों को मिलता भी था तो वो उस वक्त लगान में, महसूल में यानी टैक्स में खर्च हो जाता था, आए दिन के तकाजे बार बार होते रहते, तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान का जो माहौल है वो गुर्बत ज़्यादा था। और प्रेमचंद को इस चूँकि वो खुद इस माहौल से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने यही सोचा कि हमें इस माहौल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाकर हम इसमें कुछ बेहतर, समाज की भी बेहतरी कर सकते हैं, उसको रिफॉर्मेशन कुछ कोशिश कर सकते हैं और लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी जो शुरू से लेकर आखिर तक उनका माहौल यही रहा और आज़ादी खिलाफ़ लड़ते रहे कि आज़ादी मिल जाए हमें, हिंदुस्तानियों को वो अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ लड़ते रहे, और उसके साथ साथ जो गुर्बत जो थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि अपनी आवाज़ में, अपनी तहरीरों के ज़रिए दूसरे लोगों को भी अपनी आवाज़ में शामिल किया जो है। जब मुंशी प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया जी, तो वो किन किन मुद्दों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जिन पर उन्होंने लिखना शुरू किया, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था? इसका हम एक इकतबास छोटा सा पढ़ के सुना दें, चूँकि हमारे यहाँ तारीख की भी किताब बनी है, प्रेमचंद का बहुत ख़ास हिस्सा है। तो प्रेमचंद के अफसानों और नावलों में इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीरें दिखाई देती हैं। उन्होंने सियासी, मजहबी और जागीरदाराना इस्तेहसाल के शिकार लोगों गिर्द अपने अफसानों और नावलों का ताना बाना तैयार किया है, यानी उस पर जो एक्सप्लॉयटेशन था, मतलब मेहनत करवा लेना, पैसे मत देना, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, और जो हो सच्चे अमीर लोग जो अमीर होते जाते थे, जो गरीब लोग थे वो और पिसता जाता, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई जो है। उनकी कहानी में देही माहौल यानी देहाती माहौल और गरीब व कमज़ोर तबकों की सच्ची तस्वीरें मिलती हैं। उन्होंने अपने नावलों में किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों और समाज के निचले तबकों के लोगों के दुख दर्द और एहसास और जज्बात की तर्जुमानी की है। प्रेमचंद की तहरीरें हमारे नाकिस समाजी निज़ाम की मजम्मत करती हैं, यानी उनको बुरा भला कहती हैं, यह कौमियत और वतनियत के जज्बे से सरशार हैं। उनके तमाम किरदार हिंदुस्तान के माहौल के जीते जागते इंसान हैं। उनकी तहरीरों में हमदर्दी और इंसानी जज्बा बहुत है जो उनके दिलों पर असर किए बगैर नहीं रहता, यानी कारीन के दिलों पर। तो उनकी तहरीरें ऐसी हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की जो तस्वीरें
तस्वीरें देखी उस वक्त के, तो उस पर उन्होंने मतलब खोल कर लिखा। और चूंकि वो अंग्रेज़ों से डरते नहीं थे, उनकी कहानियों को जब पहला मजमुआ सोज़े वतन 1908 में शाया हुआ, चूंकि आज़ादी के वो चाहते तो ये अंग्रेज़ों ने यह मजमुआ जब्त कर लिया जो नवाब राय के नाम से शाया हुआ था। बाद में जब जब्त हो गया तो उनको हुकूमत के सामने पेशी भी हुई, उनसे ले लिया कि आप आइंदा कोई भी तहरीर लिखेंगे तो बगैर हमारे दिखाए हमारे पास की हुई बगैर आप नहीं छपा सकते। अब उन्होंने क्या किया कि अपना नाम बदल दिया, अपना कलमी नाम। तो अब उनके दया नारायण निगम थे, उस वक्त जो एक रसाला निकालते थे ज़माना के नाम से, उनसे मशवरा किया और उन्होंने ही ये नाम दिया कि अब आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद नाम से 1908 के बाद उन्होंने शुरू किया है। और इस नाम से उनकी पहली कहानी शायद शायद वो सब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के नाम से पहली कहानी शायद हुई जो है। तो इस तरह उनकी तहरीरों को हम देखते हैं तो समाज के इर्द गिर्द उनके जो मतलब है वो घूमती है, उनके जो समाज में कमज़ोर लोग हैं, गरीब तबका है, किसान है, मजदूर तबका है, जागीरदाराना निज़ाम है, उन्हीं के इर्द गिर्द उनके और हुब्बे वतन यानी आज़ादी का जो जज्बा है वो उनके तहरीरें गिर्द घूमती हैं जो है। तो इस तरह उनकी पूरी ज़िंदगी जो है इन्हीं मौजूदात के गिर्द घूमती रही और एक तरह से वो समाज के खिलाफ लड़ते रहे हमेशा जो है। एक वो महिलाओं को लेकर के ज़्यादा फेवर में रहा करते थे, जो महिलाओं की उस टाइम पे अवहेलना होती थी या जो उनकी दुर्दशा होती थी, उन्होंने उस पर भी काफ़ी कुछ लिखना स्टार्ट किया था। जी उनका एक नावल इसमें सिलसिले में बहुत अहम है, बेवा के नाम से शाया हुआ था। जी। बेवा की शादी को जो है लोग समझते थे कि ये गुनाह है और नहीं होना चाहिए, अगर एक बार वो बेवा हो गई तो उसका ब्याह नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेमचंद ना सिर्फ एक नज़रिए के हामी थे बल्कि उन्होंने खुद इस पर अमल करके भी दिखला जान। उनकी पहली शादी जो हुई थी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे अपनी शादी से, तो किसी ना किसी तरह निभा होता रहा। फिर जो है एक बार ऐसा हुआ कुछ मैं में ज़्यादा बढ़ी तो वो चली गई जो है घर छोड़ के। इस दौरान जब दूसरी शादी कर गया, शिवरानी उनकी दूसरी बीवी थी जो है, तो वो खुद बेवा थी, वो तकरीबन 11 साल की उम्र में बेवा हो चुकी थी जो है, लेकिन घर बैठी हुई थी। प्रेम तो उस वक्त उनके शादी के लिए इश्तहार आया अखबार में, तो उसमें प्रेमचंद भी शामिल थे जो है उनकी इश्तहार देने वो अपनी दरख्वास्त देने वालों में, तो इनके नाम को कबूल कर लिया। इन्होंने खुद एक बेवा से शादी की। इस तरह से उन्होंने एक नमूना पेश किया समाज के सामने में कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसमें औरत का कसूर नहीं है, ये समाज के किसी तरह कोई किसी के साथ भी ये वाक्या पेश आ सकता है, तो उसमें उसका कसूर नहीं बल्कि उसके साथ एक हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए, उसके साथ एक अपनाइत का जज्बा होना चाहिए ताकि समाज में वो बेसहारा होकर ना रह जाए। इस तरह से उन्होंने किताब बेवा के नाम से नावल बेवा के नाम से लिखा जो है। और कौन कौन सी उनकी नावल्स थी? अच्छा, नावल उनके तकरीबन 12 नावल हैं, इसमें खासकर एक असरार माबिद जो उनका पहला नावल है। माबिद कहते हैं माबिद यानी जहाँ सज्दा इबादत की जाए उस जहाँ, तो उसके क्या राज हैं इबादत को, उस पर नाम लिखा, पहला नावल लिखा। दूसरा नावल है बाजार हुस्न के नाम से। उस वक्त जो क्या कहते हैं जो तवाइफों का होता था उनका बाजार अलग होता था, वहाँ लोगों का जमघटा होना शाम को होना, तो प्रेमचंद उसके भी खिलाफ थे कि यह नहीं होना चाहिए। उस बाजार हुस्न में उन्होंने समाज की बुराइयों की तरफ इशारा किया है। इसी तरह तीसरा नावल उनका गोशा आफियत मैदान अमल उनका बहुत मशहूर नावल है, चौगान हस्ती और गौदान जो उनका सबसे आखिरी नावल है, बल्कि ये शाहकार नावल है जिसको हम मास्टरपीस कह सकते हैं। ये उर्दू और हिंदी का, सिर्फ उर्दू और हिंदी का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन नावल इसको कहा जा सकता है। इसी तरह गबन के नाम से एक नावल है, हम खुरमा वो हम सवाब भी है, जलवा इशार है, बेवा जिसका जिक्र हुआ, तो तकरीबन उन्होंने 12 नावल लिखे। इसी तरह उनके अफसानों के मजमूए जो आए वो भी इतने ही इससे ज़्यादा ही हैं। तो सोजे बतन उनका 1908 में पहला अफसानी मजमुआ था जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। प्रेम 25 के दो हिस्से आए, हिस्सा अव्वल हिस्सा दो दूसरा। इसी तरह प्रेम 40 के भी दो हिस्से आए और इसी तरह प्रेम 32 के भी दो हिस्से आए। तो इस तरह से कई उसके बाद दादरा वारदात खाके परवाना ख्वाब व ख्याल आखिरी तोहफा, यानी वो हमेशा लिखते ही रहे। 56 साल की ज़िंदगी देखिए और उनकी तहरीरों को देखिए तो लगता है कि उन्होंने कभी जो इसके अलावा जो है वतन की लड़ाई अलग थी जो है आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी की लड़ाई में उन्हें जबकि तंगदस्ती के आलम में गुर्बत के आलम में पैसा नहीं होता था अपनी मुलाजमत छोड़ दी। 16 फरवरी 1921 को उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी और आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए और गांधी का साथ देने लगे और वहाँ से बिल्कुल आज़ादी के साथ अपने आप को लिखना शुरू किया कि ताकि हम पर कोई बोझ ना हो, हुकूमत को कोई खौफ ना हो, कोई हमसे पूछने वाला ना हो, हम जो चाहें वो लिखें जो है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की। घर में हालांकि माहौल अच्छा नहीं था उनके जो है, गुर्बत थी, पैसा नहीं था, लेकिन किस तरह जो है, और इस बीवी में उनकी इस सिलसिले में उनकी बीवी शिवरानी का उनके जो डायलॉग है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको यहाँ गुंजाइश नहीं जो है। उनके जो प्रसिद्ध लेख थे वो कौन कौन से थे और जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक्स में वो किस प्रकार के हैं और कौन कौन से जो लेख हैं उनको शामिल किया गया है?
देखिए एनसीईआरटी ने हमेशा जो है बड़े राइटर जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं हर जगह पढ़ाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी भी इस सिलसिले में सबसे आगे है। बल्कि 1880 में उनकी पैदाइश है और 1980 में जो है प्रेमचंद की 100 साल जिंदगी के वक्त एक मोनोग्राफ शामिल शाया किया गया प्रेमचंद हयात और फन के नाम से जो है ये 1881 में शाया हुआ जो है ये तो ये उसमें थे। उसके अलावा फिर जब उर्दू में किताबें हिंदी में किताबें बनने का सिलसिला शुरू हुआ तो तब से हम लोग प्रेमचंद को शामिल करते रहे हैं और प्रेमचंद की जब भी नसाब बदलता है तो हम प्रेमचंद को नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि हमेशा उनको शामिल करते रहते हैं। अभी 2005 NCF 2005 के हिसाब से जो उर्दू का नसाब बना है उसमें नवाए उर्दू जो है मादरी जबान की जबान है, नवाए उर्दू हज इसमें हज अकबर के नाम से उनकी एक कहानी शायद हुई है, हज अकबर है। इसी तरह अगर हम देखें तो जान पहचान के नाम से दूसरी जबान की किताब है जान पहचान और इसमें प्रेमचंद की एक कहानी है नादान दोस्त के नाम से, वो शाय की गई है जो है जी। इसी तरह शामिल किया गया इसमें नादान दोस्त नाम के नाम पे कहानी शामिल है। इसी तरह जान पहचान दसवीं जमात की किताब है इसमें भी उनकी एक कहानी है कौल का पास ये शामिल की गई जो है जी। इसी और इसे ख्याबान उर्दू ये भी जो है सप्लीमेंट्री एडिशन किताब बारहवीं जमात के लिए इसमें प्रेमचंद का नावल बेवा है उसके चंद इक्तबासात लेकर इसमें शामिल किए गए हैं इस किताब में जो है बेवा जो अभी जिस पर बात हुई जो है। और इसी तरह जो है धनक ये भी उर्दू की है किताब है सप्लीमेंट्री डिजनर है धनक इसमें भी एक है बूढ़ी काकी प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है पर इसमें बूढ़ी काकी के नाम से ये इसमें शामिल किया गया जो है। तो इस तरह से हम देखें तो उनकी कहानियाँ जो है किसी भी और ये तो उर्दू की बात है इसी तरह हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी किताबें उनके तकरीका शामिल की गई। ये प्रेमचंद का नावल जो है बेवा है इसमें जो शायद हुआ जी प्रेमचंद का नावल ये बेवा जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने हमेशा लिखते ही रहे और बहुत अहम जो है उनकी तख्लीकात जिसको हम कह सकते हैं या रचनाएं कहते हैं वो शाय होती रही जो है। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया था तो उनके लिखने का असर किन किन लोगों पर ज़्यादा हुआ था और किन किन लोगों को किन किन वर्ग को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था? देखिए प्रेम हर बड़े फनकार से लोग मुतासिर होते हैं और लिखना शुरू करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरह लिखें जिस तरह उन्होंने लिखा है। लेकिन कोई भी बड़े फनकार की नकल करना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो आप मिर्ज़ा गालिब की मिसाल ले लीजिए शायरी में, मीर तकी मीर की ले लीजिए, या इसी तरह प्रेमचंद की मिसाल ले लीजिए, या और भी कोई राइटर उनकी मिसाल ले लीजिए। लेकिन चूँकि लोग प्रभावित होते हैं मुतासिर होते हैं उनकी पैरवी करते हैं तो उस ज़माने में जो लिखने वाले उनके थे कई एक नाम बहुत अहम हैं उनमें जो अगर हम देखें तो उसमें अली अब्बास हुसैनी सुदर्शन एक नाम बहुत अहम है उनके ज़माने में वो कंटेम्प्रेरी समझिए सुदर्शन अली अब्बास हुसैनी आज़म करेवी सुहेल अजीम आबादी हयातुल्ला अंसारी वगैरह देवेंद्र सत्यार्थी ये सब लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और उन्हीं के ज़माने में उन्हीं की तरह लिखना शुरू किया। इनके अलावा सैयद रफ़ीक हुसैन और सालिया आबिद हुसैन भी उसी ज़माने में है और उनकी तरह लिखने की कोशिश की उस तरह से जो है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके बाद लिखने वालों में बाकायदा एक खेप में तैयार हो गई और जो शुरुआत उन्होंने की थी प्रेमचंद उर्दू अफसाना निगारी का आगाज़ प्रेमचंद से ही शुरू होता है, उसके पहले हमारे यहाँ थे लेकिन इतना नहीं था लेकिन प्रेमचंद ने उसको बाकायदा एक अहम जहत थी एक फ़िक्र के एतबार से और फ़न के एतबार से। उसके पहले लोग रोमानवी अंदाज के अफसाने लिखा करते थे कई नाम ऐसे हैं लेकिन प्रेमचंद ने बाकायदा तौर पर जो है देहात की ज़िंदगी को मौजू बनाया, उसमें गरीबों को किसानों को मजदूरों को और जो कि दबे कुचले तबके के लोग हैं उनको अहमियत दी जो है। इस तरह से उन्होंने बहुत जल्द मशहूर हो गए कि चलिए कोई तो हमारी आवाज़ उठाने वाला और इससे जिस तरह से वो पेश किया उन्होंने उसकी ज़बान और बयान उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती तो बहुत तरह से बाकायदा है कि पूरी खेत तैयार हो गई एक सिलसिला शुरू हो गया तो आगे आने वालों ने भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी पैरवी होती रही जो है। कोई ऐसा लेखन कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था? नहीं कहानियाँ तो बहुत है निर्मला है, हम तो ये चाहते हैं सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा बल्कि अगर उनके कुछ इक्तबासात भी पढ़ गए, क्योंकि आज ज़बान का जादूगर हमारा आज का टॉपिक है तो ज़बान की वो कौन सी खूबियाँ होती हैं जो लोगों को मुतासिर करती हैं। देखिए जब कोई बड़ा फनकार किसी ज़बान को इस्तेमाल करता है या हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे पास भी वही अल्फाज हैं वही सब कुछ हम भी करते हैं लेकिन जब उसी को हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा नज़रिया बदल जाता है, आम गुफ्तगू की ज़बान और होती है और जब उस ज़बान को तहरीरी शक्ल देने की बात होती है तो और होती है।
होती है। तो प्रेमचंद के यहाँ जबान का एक बहुत बड़ा कैनवेस था जो है, बहुत बड़ा तजुर्बा था उनका अपनी ज़िंदगी का और कैनवेस था। वो उर्दू में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया और बाद में जो है तकरीबन 1915 में अपने दोस्तों के मशवरे से हिंदी में भी लिखना शुरू किया। तो उर्दू में उनके कई अहम नावल और कई कहानियाँ उस वक्त वजूद में आ चुकी थी उस वक्त जो है। तो उसमें से कुछ हम यहाँ पढ़कर सुनाते हैं। एक निर्मला है, देखिए वो ज़बान को किस तरह तजिया करते हैं और किस तरह उसका यहाँ किरदार भी है, माहौल भी है, तबके भी हैं, जज्बात भी लोगों के हैं, तो किस तरह की ज़बान वो हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं उसके। एक जगह हालात निर्मला एक उनका नावल है और वो उसका तजिया एक पार्ट उसका करते हैं। तीनों बातें एक साथ हुई, निर्मला की लड़की पैदा हुई, कृष्णा का ब्याह तय हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। ऐसा लगता है ये तीनों बातें के लिए बहुत पहले से कोशिश चल रही थी। अब वो उसको मुख्तसर अंदाज में बयान कर दिया। लड़की का पैदा होना तो मामूली बात थी, अगरचे निर्मला की निगाहों में जो उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़ा था, बकिया दोनों वाक़ा गैर मामूली था। कृष्णा का ब्याह हुआ, ब्याह ऐसे बासरवत ख़ानदान में क्यों कर तय हुआ? उसकी माँ के पास तो जहेज़ के नाम फूटी कौड़ी भी ना थी और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर मकान आ गए थे, अपनी बिरादरी में बड़े ही लालची मशहूर थे, वो अपने लड़के का ब्याह ऐसे मुफलिस घराने में तय करने पर कैसे रजामंद हो गए? किसी को यकायक इसका यकीन ना आता था। इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खैज अम्र मुंशी जी के मकान का नीलाम हो जाना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो कम अज़ कम बड़ा आदमी ज़रूर तसव्वुर करते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपया कर्ज लेकर एक गांव रहन रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि साल 6 महीने में रुपया अदा कर देंगे और फिर 10-5 बरस में उस गांव पर भी पूरा कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत तवील इकतबास है, आप देखिए उन्होंने किस तरह से जो है एक समझा कर हालात जो है उसका तजिया करते हैं और लोगों को उसमें। उनकी सबसे मशहूर कहानी ईदगाह है। ईदगाह भी हमारे यहाँ निसाब में शामिल है, 6 से 8 तक की किसी किताब में शामिल है और ईदगाह तकरीबन आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी है। इसमें लोगों की जुबान पर भी ज्यादातर अगर मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है तो उनकी कहानी जरूर आती है। बस इस कहानी की एक तो ईदगाह के इसमें जबान बयान का जो है जिस तरह जज्बात निगारी है इसमें जो है वो चीज़, और जिस माहौल में उस कहानी को लिया है कि हामिद एक लड़का है, उसके यतीम है, यानी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, ईद का दिन है, लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बेटा किसके साथ जाए वो भी चला जाता है गांव के बच्चों के साथ। और जब वहाँ से जब वापस होते हैं तो सारे बच्चे मिठाई लेते हैं, खिलौना लेते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, जूम करते हैं, लेकिन दादी के पास तो पैसे नहीं थे, अमीना के पास, उनके पास कुल 3 पैसे थे, तो 3 पैसे उन्होंने चुपके से हामिद के जेब में डाल दिए थे कि बेटा तू भी कुछ खा लेना, लो अपने दोस्तों के साथ। लेकिन हामिद तो कुछ और ही सोच रहा था। जब वो ईद की नमाज़ पढ़ के घर वापस आया तो अब उसके बाद सोचिए क्या हुआ जो है, उस मंजर को इन्होंने किस तरह और कितने जज्बात के साथ बयान किया है। अब देखें, अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई ना कुछ खाया ना पिया, लाजा क्या दस्तपनाह? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली? हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया, और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये बेज़बान शफकत थी, दर्द इल्तजा में डूबी हुई। उफ कितनी नफ्सकुशी है, कितनी जासूसी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उससे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है, उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद को ऊपर निसार कर दे, यानी कुर्बान कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई, बुढ़िया अमीना नन्ही से अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी, इसमें जो दर्द है, जो जज्बा है,
एक दादी का अपने पोते कहते हैं जिसका कोई पालनहार नहीं, कुछ भी नहीं है, यतीम बच्चा है, उसके लिए क्या है। इसी तरह मैसेज भी है कहीं ना कहीं लोगों के लिए कि कैसे एक छोटा सा बच्चा उनके दर्द को समझ पाता है, समझ पाता है। कहीं अगर इस कहानी का तजिया करो तो इसमें कई एक ऐसी चीजें जो है, इसमें जो कुवत है, जो ताकत है, वो कई चीजों को तैयार करती है। इसमें जो दस्तपना, तो दस्तपना जाहिर बात लोहे का है, इससे हिफाजत होती है, ताकतवर है। खेलो अब मिठाई तो हमने आज खाई और उसका मजा थोड़ी देर के लिए फिर भूल गए। इसी तरह आप देखें जो है खिलौने लिया, खिलौने या तो गिर गए या किसी ने तोड़ दिया तो वो भी जाता रहा। लेकिन दस्तपना एक ऐसी चीज़ है ना कि सिर्फ हमें आग से महफूज रखता है रोटियां पकाते वक्त, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो उससे हम अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं और बार बार गिर जाए तो उस पर कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इस तरह से आप देखिए कि यह ऐसी कहानी जो बायक़वत कई पैगाम इसमें है, कई मैसेज इसमें जो है जी। और एक बच्चे का बड़प्पन भी दिखाया गया है, बच्चे का बड़प्पन भी देखिए वो कितना जिम्मेदाराना अंदाज उसका है, कितनी जिम्मेदारी इस बार करता है। नन्हा सा बच्चा है लेकिन उसे अपनी दादी का कितना ख्याल है, वरना जाहिर बात है कि आम बच्चों की तरह होता तो वो भी जो है खा पी के मस्त होकर घर आ जाता जो है, फिर दादी उसी तरह। तो इस तरह से आप उनकी कई एक कहानियां हैं। एक कहानी उनकी पंचायत बहुत अहम है कि पंचायत जब बैठती है गाँव में तो जाहिर सी बात है कहते हैं कि पंच परमेश्वर होता है, किसी का जो है फेवर न करे, किसी की हिमायत न करे, तरफदारी न करे, वो सबके साथ जो है भला करे जो है। तो एक उस पंचायत में वो बुढ़िया है, मुस्लिम है, पूरे महल्ले में खाला के नाम से मशहूर है। और जिस दिन पंचायत होती है उसके साथ जो है जुम्मन उसका भतीजा है, किया वो सारी जायदाद उसके नाम को ले लिया उसकी खिदमत के बहाने। अब उसको तकलीफ हो रही कि मेरी सारी जायदाद थी उसने रख ली, क्या करे। अब उसने जो पंचायत करने को सोचा, पंचायत करते करते वो सारे गाँव में घूम गई, सबके साथ गई और फिर कहते कहते फिर वो अलगू अलगू के पास गई। तो अलगू से जाकर कहती है कि बेटा तुम भी क्षण भर को मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आएंगे। खाला ने भाप कर कहा, अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। हमारे सिपह सालार सैयद सालार गुहार सुनकर पैर से उठाते थे, क्या मेरा रोना कोई ना सुनेगा। अलगू ने जवाब दिया, यूँ आने को मैं आ जाऊँगा मगर पंचायत मुँह न खोलूँगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा जी। अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब, अपनी अपनी तबीयत, जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, हमारे स्वयं ईमान की सारी जत्था चोरी से लुक जाए उसे खबर नहीं होती, मगर खुली हुई ललकार सुनकर वो चौंक पड़ता है और होशियार हो जाता है। अलगू चौधरी इस सवाल का जवाब ना दे सके कि क्या वो नहीं कहने की जुरात कर सकते थे। इस तरह आप देखिए बहुत सारी कहानियां इस तरह से जो है। इसी तरह उनकी आखिरी कहानी कफन बहुत मशहूर कहानी है जो है, और ये भी जो कुंबा ऐसा है जहाँ उनके यहाँ घर खानदान में खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन किस तरह से उस कहानी की फरियाद रसी की है तो उसके बारे में ये इक्तबास है। कफन जो थी वो इनकी अंतिम दौर की कहानी थी, जब अंतिम दौर की बल्कि आखिरी कहानी सबसे अंतिम जी, अपने अंतिम समय में ये कहानी इन्होंने लिखी थी जी। अब उसके बारे में दोनों की हालत दार का बयान करते हुए लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा फारुकुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की ज़हनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक भी था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदा जमात में शामिल हो गया था। हाँ उसमें यह सलाहियत थी कि शातिरों के आइन और अदब की पाबंदी करता है, इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारागाम अंगुष्ट नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठा पाते। इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की हमने इंतखाब कर रखी हैं। और एक पूस की रात बहुत अच्छी कहानी है जी। और जिसमें एक हल्कू किसान है और किस तरह से वो पैसा जमा जमा करके चाहता है कि किसी तरह पूस की जब आए तो खेत में निगरानी करने के लिए हमारे पास एक कंबल हो जाए, 3 रुपया उस कंबल की कीमत है। लेकिन जब ये रुपया किसी तरह थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है कि फिर वो जो है जागीरदार जो सरमायादार होता है वो कर्ज के तकाजे के लिए आ जाता है, बार बार यानी जो जमा पूंजी होती है वो उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उन दोनों का मियाँ बीवी का जो डायलॉग है वो
तीन ही तो रुपये हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे अभी नहीं, कर चुके दूसरी तदबीर, ज़रा सुनो कौन सी तदबीर करोगे, कौन कंबल खैरात में दे देगा, मरमर कर काम करो, पैदावार हो तो बाकी उससे अदा करो, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ, ऐसी खेती से तो बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी ना दूंगी। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो मतलब अगर पढ़ते जाएं तो इसमें हमें और वक्त चाहिए था, लेकिन कहने का मतलब प्रेमचंद जो कहानियों में जिस बात राह के इस्तेमाल की है वहाँ किरदारों का ख्याल रखा है, उनके माहौल का ख्याल रखा है, तबके का ख्याल रखा है, किस तबके के लोग हैं, तो उन हर तबके के लोग, दूसरे उसमें जबान में चाशनी पैदा के लिए तशबीह भी इस्तेमाल की है, इश्तियारा भी इस्तेमाल किया है, कहावतें भी इस्तेमाल की है, मुहावरे भी इस्तेमाल किए, तो जबान की अपनी खूबसूरती जो पैदा होती है उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। प्रेमचंद के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है और इतनी सारी बातें आपने हमारे इस कार्यक्रम के दौरान हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, कल फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ, और आज के इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव है, कोई भी मैसेज है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और देखते रहें किशोर मंच।